ज्यादा सीखने लायक चीज लिखी कवि ने, और लिख दिया कि सरासर आदमी की गलती हर जगह पर नहीं होती, औरत की भी गलती होती है। आई किस प्रकार से इस उपदेश के माध्यम से, किस प्रकार से किन किन लोगों के बारे में किन किन की कमियां गिनाई, आई बहुत सुंदर उपदेश आप सभी के बीच में चले। Yeah!
नहीं कहती तो ना तो उस द्रौपदी की इज्जत उतारी जाती, ना सभा के अंदर साड़ी खींचती और ना ही सभा के अंदर नंगा नचाई जाती। लेकिन जो भी होता है, ये महाभारत का युद्ध हुआ तो सिर्फ द्रौपदी के कारण हुआ था। आइए तीसरी कली के द्वारा किनके बारे में क्या लिखा कवि ने, जरा सुनिएगा। समझ में आ रही है, कुछ के सर के ऊपर कर उतर के जा रही है लेकिन उनका भी बार बार धन्यवाद। अंतिम कली के, हाँ बिल्कुल सुनाएंगे आपके अजीत सिंह राज वाले की, मुझे पहले से ही पता है। हाँ बिल्कुल सुनाएंगे। आइए अंतिम कली में कवि ने किन के बारे में और क्या क्या लाइनें लिखी, जरा सुनिएगा ध्यान से।